नमस्कार, एक्शन 7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाजिर है एक नई खबर के साथ। पिछले दिनों हलीम कॉलेज में टीचरों के बीच जो विवाद हुआ था, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। सहायक टीचर ने आज अपनी एक बाइट में साफ साफ कहा कि पूरा प्रकरण क्या है। बताते हुए उन्होंने कहा कि समय समय पर हम टीचरों से, प्रिंसिपल और उनके सहायक जो कि रिटायर्ड टीचर हैं, पैसे की मांग करते हैं। इसका मेरे पास पूरा सबूत में वीडियो और ऑडियो के है। हम टीचर कहाँ तक इन लोगों को पैसे दें, ना देने पर ये हमें निलंबित करने की धौंस देते हैं। इस वजह से ये पूरी घटना घटित हुई। इसकी सच्चाई हम लोगों और पुलिस प्रशासन के सामने रख रहे हैं। इलेक्शन कुछ वजह है इस वजह से नहीं आ रहा कोई। नहीं नहीं बुलाने के लिए जा ही रहे हैं लोगों, क्या तुम इसे बात करनी है? हम लोग चाय वाय पिलाते हैं, आपको पिलाएं बेटा। हम लोग चलता करेंगे अभी। जाओ जाओ ना भैया, नहीं इसे कह दो जाओ। जो भी बताना था बता दिया। मैं चाय मंगाना तो भेज देना, बुला देना, ये भी हम तो आ रहे हैं। ठीक है, मंगाना नहीं मैं बनाती। अच्छा बनाना तो भेज दो। मैं आपका बनाते, हार्ट टूट गया एक आध हो गए। अरे आपके बाप ने सपोर्ट तो बहुत बनाए हुए हो। असिस्टेंट भी बनाते कोई चाय हम ही बनाते। अच्छा चलो चलो जाओ जाओ, इतने दिन बनी आप पता नहीं। अच्छा जाओ भाई जाओ, कुछ डायरेक्शन तो चलता होगा, डायरेक्शन पे भी तो काम हो जाता है। हमने वैसे कल आसिफ से बता दिया था, इत्तिफाक से आसिफ के सामने ही मैं घर से निकला। आप बताइए, हम थोड़े कहे जैसे ही आसिफ मिल गए। कहने से कहाँ जा रहे हैं? जूनियर। जूनियर, हमने कल कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हम घर से कर, कहने बैठिए, हमने खैरियत तो, कहने कैसे तो, हमने उसे बताया ये बात है। खामोश हो गया। क्या तो आपने कोई अपोज किया या फेवर किया? हमने आसिफ को एक बात बता दी थी, इसके सामने इनके सामने नहीं बता सकते। नहीं ये बता देंगे जाकर। नहीं बता दें ये, इसमें क्या है? ये क्या बाहर के आदमी है? हम तो यही कह रहे हैं। नहीं नहीं ये हमको चुपचाप बैठो। नहीं हमको उठने नहीं देते, हम तो भागने के। नहीं नहीं आप बैठो, आपसे आपसे मतलब हम भी चले जाएंगे। साहब बता दो उनसे, उन्होंने कह दिया था। नहीं आप सर्वे सर्वा इंस्टीट्यूशन के बैठो। अरे हम यही है, जा रहे हैं, हम वाकई नहीं जा रहे हैं। हम सब आप बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। अरे भाई कुछ आप बैठो, खबर रखते आप हमको। अभी वही उसी कर्जे में है सारा मामला। लोन ही चल रहा है भाई। देखिए एक बात, मैंने जो मुझसे कहा मैंने वो आपको करने को दिया। अब आप लोगों तो आपने अपनी तरफ से भी तो कोई इंस्टीट्यूशन के जो है वो टीचर्स है उनके लिए। टीचर्स की बात थी ये, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। सिर्फ ऊपर वाला जानता है कि मैंने क्या कहा। मैं आपसे नहीं कह सकते, अल्लाह जानता है। और मैंने कहा है 100 नहीं 200% कहा है। अब कितना उसकी मुझे क्या इनाम मिला ये हम नहीं बता सकते। आप तो इनाम क्या? हम कसम खा सकता हूं कि मैंने कहा है। सब जैसी आमदनी होती है वैसे खर्च भी होते हैं। अब हमारी बेटिया आपको उसमें जा रही है। नहीं एक बात हम भाई, बात तो सब लोग अपनी अपनी कहेंगे ना। अब उनका 25-30 हज़ार रुपए महीने का वो खर्च है ना, सबके साथ वही तो जैसी आमदनी होती है वैसे ही खर्च बढ़ जाते हैं। मैं सहायक अध्यापक अली मुस्लिम इंटर कॉलेज आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। 10 तारीख को हमारे और अफजाल साहब के दरमियान जो झड़प हुई, उसका कारण वो नहीं था जो आप लोगों को बताया गया, बल्कि उसका कारण ये है कि हमारे प्रधानाचार्य श्री मुश्ताक साहब और सलाहकार श्री अफजाल साहब द्वारा हम लोगों का सदैव शोषण किया जा रहा है। और प्रधानाचार्य महोदय हमेशा हमसे पैसे की डिमांड करते हैं और समय समय पर ये हमसे पैसा मांगते रहते हैं, जिसके बहुत से साक्ष्य मेरे पास हैं, लिखित भी हैं, ऑडियोज भी हैं और वीडियोस भी हैं। उस दिन मैं अफजाल साहब से कई बार ये बात कह चुका था, उस दिन भी मैं कह रहा था। आप लोगों ने उस वीडियो का सिर्फ वीडियो देखा, ऑडियो नहीं देखा। अगर आप लोग ऑडियो देखते तो उसमें भी हम लोग चीख चीख कर यही बोल रहे हैं कि हमेशा पैसा मांगा जाएगा, हमेशा पैसा मांगा जाएगा।
साक्ष्य के रूप में मुश्ताक साहब का वीडियो मैं आप लोगों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें वो मैनेजमेंट के नाम पे 50,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं।